हेलो दोस्त, कैसे हैं? एक बार फिर हमारे चैनल द एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके आगामी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम उस टॉपिक की ओर चलते हैं और टॉपिक का नाम है तत्सम और तद्भो। तो ये अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी हुआ, आगामी पेपर समीक्षा अधिकारी भी हो सकता है, पेट हो गया, या कोई भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो वहां तत्सम और तद्भो के क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं द एजुकेशन मंत्रा बिल्कुल निःशुल्क बैच लेकर आया है हिंदी का। तो बिना देर किए हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको सब्सक्राइब करवाइए और बताइए कि द एजुकेशन मंत्रा के चैनल पर आए और जुड़े और हिंदी का लुत्फ तो उठाए। हम आपको यकीन दिलाते हैं आज तत्सम और तद्भो, आज के बाद आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप तत्सम और तद्भो अपने आसपास के लोगों को, अपने मित्रों को बिल्कुल चुटकियों में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं तत्सम और तद्भो की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। क्या देखेंगे? तत्सम, ठीक। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा परिभाषा, किसी किताब उताब में नहीं जाना है, यहां खुद की परिभाषा हमारी है और ऐसी व्यवहारिक परिभाषा है जहां से आप बिल्कुल एक से दो बार अगर वीडियो देख लेते हैं संभवतः कॉन्सेंट्रेट होके एक ही बार आपके लिए पर्याप्त होगा। तो तत्सम देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा तत्सम शब्द किससे बना हुआ है, ठीक है? तो देखिएगा इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है या तत् और प्लस सम, ठीक है? तत् प्लस सम मिलकर क्या बना है? तत्सम बना हुआ है। अब देखिएगा तत्सम का क्या अर्थ होता है? तो तत्सम का क्या अर्थ होता है? तत्सम का मतलब होता है उससे या उसके, ठीक है? उससे या उसके। और सम का मतलब होता है समान। सम का क्या मतलब होता है? समान, ठीक है? समान। या और आप अगर कहना चाहते हैं तो सम का मतलब और लिखिएगा जैसा, जैसा भी हो सकता है। तो देखिएगा हमने आपको बताया तत्सम, और तत्सम में मैंने बताया कि तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला तत् है और दूसरा सम है। तो तत् का मतलब होता है कि उससे या उसके, उससे या उसके। और सम का मतलब होता है समान या जैसा। तो चलिए एक बार फिर से बताइएगा तत्सम का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला शब्द है तत् और दूसरा शब्द है सम। तत् का मतलब होता है उससे या उसके और सम का मतलब होता है बराबर या जैसा। चीजें समझ में आ गई होंगी, अभी भी हम परिभाषा में ही लगे हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद, इस वीडियो देखने के बाद आपको तत्सम चुटकियों में आ जाएगा, अंगुलियों में आ जाएगा, ठीक है? तो देखिएगा, अब देखिएगा आपके अंदर एक बढ़िया प्रश्न चल रहा होगा कि सर ने कह रहे हैं कि उससे या उसके समान या जैसा। तो कौन सा आपके मन प्रश्न चल रहा है? किसके समान या किसके जैसा, ठीक है? या किसके जैसा या किसके समान। तो देखिएगा हमने हमारी वर्णमाला की एक कक्षा में वीडियो अपलोड भी कर दिया है अपने चैनल पे, वहां आप वर्णमाला चैप्टर के नाम से अपलोड हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो थोड़ी चीजें यहाँ की वहां पर लिंकेड आपको मिलता दिखाई देगा, ठीक है? हमने आपको बताया था कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है, ठीक है? तो बस वही चीज यहाँ आपको बताना है कि संस्कृत के समान या संस्कृत के जैसा। तो यहां पर देखिएगा संस्कृत के समान या संस्कृत के जैसा, ठीक है? क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा, ठीक है? देखिएगा हमने तत्सम में आपको बताया कि तत् प्लस सम उससे या उसके, और सम का मतलब होता है समान या जैसा। आपने पूछा किसके समान किसके जैसा, तो मैंने कहा कि जो संस्कृत भाषा के समान हो, जो संस्कृत भाषा के जैसे हो, वो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाते हैं। चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत हुई होगी आप लोगों को, ठीक है? चलिए चलते हैं, ठीक, चीजें क्लियर हो गया। अब देखिएगा एक और देसी कॉन्सेप्ट। देसी कॉन्सेप्ट का यह मतलब होता है कि जब किसी शब्द में बोलने में ज्यादा कठिनाइयां आती हैं,
ठीक है, तो हम लोग उसका बिल्कुल इजी वे सोचते हैं कि इसका और आसान क्या हो सकता है। जैसे मैथ के कोई क्वेश्चन सर ने पूरे पेज भरवा दिए, दो पेज, और फिर लास्ट में कहा उत्तर, तो फिर क्या करेंगे आप? ऐसे करेंगे, माथे से पसीना निकल रहा है, क्यों? क्योंकि दो पेज। लेकिन वही अगर उन्होंने कहा कि कुछ करना है नहीं, दोनों को जोड़ दो और दो से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा, तो इसे तो आपका चेहरा बिल्कुल कैसे हो जाएगा, हा 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 शुरू कर दिया हंसना, ठीक। तो बस वही चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है, तत्सम में क्या होता है कि अगर कोई शब्द संस्कृत मिल जाए आपको, ठीक है ना, एक्चुअली संस्कृत भाषा जब आई थी ना, तो देखिएगा रामायण वगैरह या पंडित जी जब आते हैं घर पे कथा वगैरह सुनाते हैं, तो वो जब शुरू करते हैं मंगलम भगवान विष्णु, तो आपका बिल्कुल ऊपर से उड़ने लगता कि कह क्या रहा है। तो वही चीजें हैं जो बिल्कुल ऊपर से उड़ जाए, वही तत्सम कहलाता है। जो संस्कृत की चीजें हैं वही तत्सम कहलाता है। तो कभी कभी आपसे परिभाषा भी एग्जाम में पूछ लेता है कि तत्सम क्या कहलाते हैं, और एक ऑप्शन दे देगा वो भाषा जो संस्कृत से ज्यों के त्यों रख दिए गए, संस्कृत भाषा के शब्द जो ज्यों के त्यों रख दिए गए वही तत्सम कहलाता है। तो बिल्कुल सही है। तो ये संस्कृत के समान है या संस्कृत के जैसे है या संस्कृत जैसे ही है, संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों अगर रखा है तो तत्सम कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि सर तो बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, कुछ नहीं, कुछ करने नहीं है, ऐसे शब्द जहां जवान लड़खड़ाई, बोलने में कठिनाइयां हुई, तत्सम। और बताओ क्या बताएं, जवान लड़खड़ाई, बोलने में कठिनाइयां हुई, दिक्कत पैदा हुई किसी शब्द में संस्कृत, और संस्कृत हो गया तत्सम। आयोग जब देगा चार ऑप्शन ना, तो फटाक दे मारिएगा, ठीक है, कोई संशय नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे मैंने एक शब्द आपसे लिया, क्या दूं एग्जाम्पल बताइए आप लोग, जैसे जो आपको बोलने में कठिनाई लगे। अच्छा, राम वन को गए, ठीक है, यहां देखिएगा मैं ऐसे लिख रहा हूं, राम वन को गए। एक शब्द और लिख रहा हूं, राम वन को गए। अब बताइएगा क्या दिक्कत हो रही है, छोटा शब्द है और आपको लगा हमने कहा राम वन को गए, राम वन को गए, तो आप देखेंगे ना 80-90% लोग वन वन कहते हैं, राम वन को गए, ठीक है। तो वन कहना आसान है और वन कहना थोड़ा कठिन है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये तत्सम हो गया। वन क्या हो गया, तत्सम हो गया, और वन क्या हो गया, तद हो गया। अभी तद हो की परिभाषा हम बताएंगे आप लोगों को, बस यहाँ दो तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल ही हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, एक और ले लें। अच्छा, हमने कहा दाल में हल्दी जाता है, हमने क्या कहा, दाल में ऐसा हल्दी ज्यादा है, या दाल में हल्दी डाल दो, ठीक है, डाल दो। कोई नया खाना बना रहा है, उसने पूछा क्या क्या डालें, तो मैंने कहा हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, पानी डाल दो, ठीक। तो चलिए एक और ले रहे हैं, इसी में दाल में हरिद्रा डाल दो, दो शब्द हैं, बताइएगा यहां पे कहां पे, एक है हल्दी, क्या है, हल्दी, और एक है हरिद्रा, कहने में क्या आपको कठिन लग रहा है, या कहां जवान वगैरह थोड़ा रुक रही है, या हम प्रयोग कौन सा करते हैं, बिल्कुल आसान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग अधिकतर हल्दी का प्रयोग करते हैं, और एक है हरिद्रा, तो जहां कठिनाइयां आई वो हो गया तत्सम, और जहां सरलता आई वह हो गया तद्भव, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और क्या एग्जाम्पल आप लोगों को दे, एक एग्जाम्पल और दे दें, देखिएगा तीसरा, इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ ना चल के अगले परिभाषा की तरफ चलते हैं। एक हो गया आंख, ठीक है, और एक हो गया, अच्छा तो ये देखिएगा, ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं तद्भव की तरफ, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा हम लोगों को, तो इसको हम रफ कर ले रहे हैं। चलिए हाँ, तद्भव, तद
भाव। ठीक है, तत्सम समझ में आ गया होंगे, हम तद्भो की तरफ चलते हैं और देखते हैं तद्भो क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें भी देखिएगा सीन वही है, एक है तद और दूसरा है भाव, एक है तद और दूसरा है भाव। ठीक है, अब देखिएगा तद का मतलब तो सबको पता है क्योंकि बता चुके हैं, उससे या उसके, और भाव का मतलब होता है निकाला गया, भाव भाव सागर निकाले गए। उत्पन्न भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो किससे निकाले गए हैं ये, किससे निकाले गए हैं, देखिएगा हमने आपको तद्भो बताया और तद्भो में मैंने कहा कि देखिएगा तद्भो और तद्भो मैंने कहा कि तद्भो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन शब्द है, एक है तद और दूसरा क्या है भाव है। ठीक है, क्यों कौन सा शब्द है, तद और प्लस भाव है। ठीक है, तो देखिएगा तद प्लस भाव, तद का क्या मतलब होता है, उससे या उसके, और भाव का मतलब हो गया उत्पन्न होना या निकाले गए। तो किससे निकाले गए, तो ये संस्कृत भाषा से फिल्टर कर दिए गए हैं, संस्कृत भाषा से क्या कर दिए गए हैं, फिल्टर कर दिए गए हैं या निकाले गए हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा से निकाले गए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भो कहलाते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी और दोनों का एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने कहा वन और मैंने कहा वन। ठीक है, मैंने वन और वन कहा, तो मैंने कहा कि जैसे वन था, वन को कहने में कठिनाइयां हुई तो मैंने वन कह दिया, तो जहां सरलता हुई, जहां सरलता हुई वो आपका तद्भो हो गया और जहां कठिनाइयां हुई वो क्या हो गया, तत्सम हो गया। ठीक है, तो और एग्जाम्पल आपसे बताएं, जैसे देखिएगा मैंने कहा अच्छ आंख हरिद्रा हल्दी। ठीक, तो ये सब चीजें यहां के एग्जाम्पल में आए। अब चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और हम आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर अपने व्हाइट बोर्ड पे। देखिएगा इतने एग्जाम्पल मैंने लिख लिए हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो तत्सम होता है, जो तत्सम होता है, देखिएगा फिर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तत्सम हमेशा संस्कृत का रूप होता है। क्या होता है, संस्कृत होता है। ठीक है, और तद्भो क्या होता है, हिंदी रूप होता है और हिंदी सबको आसान ही लगती है, हिंदी से आसान कोई कुछ किसी को दिखते नहीं है। तो देखिएगा जैसे आंसू अश्रु। ठीक है, तो देखिएगा अश्रु वत्स चतुर्दश, 14 का चतुर्दश बच्चा का वत्स, जैसे आंसू और अश्रु, ये बताइएगा आप लोग आंसू कहते हैं ना कि आपके आंखों में आंसू बह रहे हैं, कि ये कहते हैं कि आपके आंखों में अश्रु बह रहे हैं, आप लोग बच्चा कहते हैं कि वत्स कहते हैं, आप लोग 14 कहते हैं कि चतुर्दश दे दीजिए। ठीक है, किसी से कह दीजिए कितने रुपए हुए, 14 रुपए हुए, अगर आपने उससे कह दिया चतुर्दश रुपए हो गए तो बताइएगा वो क्या समझेगा। ठीक है, ऐसे इसी तरह आपने कहा आग जलाओ, बहुत तेज ठंड लगी, ठंड में सब लोग आग जलाते हैं, आग कहोगे कि अग्नि कहोगे, कपड़ा कहोगे कि करपट कहोगे, मानव कहोगे कि मनुष्य कहोगे, बंदर कहोगे कि वंदर कहोगे, ऐसे तमाम शब्द हैं जहां पर आपको कठिनाइयां आई भैया तत्सम है, जहां पर आपको कठिनाइयां नहीं आई वो तद्भो शब्द है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, देखिएगा मैं लिख दिया हूं आंसू अश्रु बच्चा वत्स 14 चतुर्दश आग अग्नि फूल का पुष्प, ठीक है, साड़ी का साटिका, और इसके बाद जो है बारात का वर यात्रा, ठीक, चना का चाणक, चबूतरा का चत्वाल और आंख का अच्छे होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा सारे संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत के शब्द अगर हैं तो तत्सम और हिंदी के शब्द हैं तो तद्भो कहलाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।